हेलो नमस्ते, मैं हूँ प्रभा शर्मा और जेके न्यूज़ नेटवर्क में फिर से लेकर आ गई हूँ हमारी एक खास बातचीत, जहाँ हर बार मिलाते हैं हम आपको कुछ नई शख्सियत से, करते हैं उनसे कुछ बातें और जानते हैं उनके बारे में। तो आज की जो हमारी खास शख्सियत है उनके पास एक नहीं शायद कई टाइटल्स हैं, चाहे वो मिस झारखंड हो, मिस इंडिया हो या फिर मिस मिलेनियम ग्लोबल यूनिवर्स। जी हाँ, आज हमारे साथ हमारी खास बातचीत में हमारे साथ हैं तरुण राजपूत जी। तो सबसे पहले हमारे इस खास बातचीत में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो मैम, क्योंकि आप बेसिकली झारखंड की ही हैं और इतने सारे टाइटल्स, मैंने शायद कुछ ही नाम बताए और भी इससे जुड़े हुए होंगे, तो इस फील्ड में कैसे आना हुआ और आप झारखंड से बेसिकली हैं, कहाँ से हैं और ये चीज़ में इंटरेस्ट कैसे हुआ और आगे आप इसमें इतना कैसे बढ़ी? मैं बताना चाहूँगी कि मॉडलिंग और खुद को मतलब प्रिपेयर रखना एकदम स्टाइलिश लुक में, ये स्टार्टिंग बचपन से ही मेरी ख्वाहिश थी और मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई इन सब चीज़ों को लेकर मैं और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो गई। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम मॉडलिंग करा तो उस वक्त मैं देखी कि हमारे झारखंड में स्कोप बहुत ज़्यादा कम है, तो मैं सोची कि मैं पहले करूँगी, मैं सब कुछ ऑब्ज़र्व करूँगी, मुझे एक्सपीरियंस होगा क्या होता है कैसे, कुछ को खुद को कुछ बनने के लिए उससे पहले खुद को भी महसूस करना पड़ता है। तो फिर मैंने ये पहले से ठान रखा था कि अगर मॉडलिंग लाइन को बढ़ावा देना है, हमारे झारखंड को बढ़ावा देना है, यहाँ के जो बच्चे हैं जिनमें बहुत ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जिनमें बहुत सारे टैलेंट्स हैं, तो इनको आगे बढ़ाना है और इनको भी आगे लेकर चलना है, तो मैंने बस तभी से ठान लिया कि खुद के साथ साथ सभी को लेकर चलूंगी। मतलब इंटरेस्ट तो एक बोलते हैं ना, वो गर्ल्स का मेकअप एंड स्टाइलिंग ये सब में पहले से होता है, तो उसके बाद फिर आपने मॉडलिंग में करा, बट उसको प्रोफेशनली करने के लिए, क्योंकि वो फैशन स्टाइलिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट जो आपने इसमें टाइटल्स आपको मिले हैं और आई थिंक ये झारखंड से बाहर, इंडिया से बाहर, इंटरनेशनली आपने इसको रिप्रेजेंट किया है, तो उसमें आप कैसे लेवल बाय लेवल आगे बढ़े? मैंने जब मिस झारखंड के लिए मैं जब गई थी तो उस वक्त मैं बहुत कम एज की थी, 16-17 एज की होंगी, और एक नेशनल और इंटरनेशनल के लिए एक एज लिमिट होती है, जो एज क्राइटेरिया होता है उसके अकॉर्डिंग मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी और मुझे ऐसा लगता था कि मैं मिस झारखंड बन गई हूँ, ये एक स्टेट लेवल का है, बट मुझे इससे आगे भी कुछ करना है, इससे आगे भी बढ़ना है। तो मुझे जो टाइम मिला उसमें मैंने खुद को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करा और उसके बाद फिर जब मैं 20 की हुई तो 18-24 के बीच नेशनल और इंटरनेशनल के जो भी शोज़ होते हैं वो उसके लिए मैं खुद को प्रिपेयर करी, और जब मैं जैसे ही 18 प्लस हुई मैं बोली अब नेशनल करना है, तो मैं मिस इंडिया के लिए गई, वहाँ मुझे मिस इंडिया ग्लोबल का खिताब मिला और मैं पूरे इंडिया से स्पेशली इंटरनेशनल जाने के लिए मुझे मेरा सिलेक्शन हुआ और इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। मैं तहे दिल से बहुत 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 खुश थी कि चलो पूरे इंडिया में मैं इस लायक हूँ, झारखंड से बिलोंग करती हूँ, एक बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट जगह नहीं है बट फिर भी मुझे मौका मिला है तो कुछ तो करना पड़ेगा। और क्योंकि अगर जैसे मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स जैसे हमारे दिमाग में आता है प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, तो उनका हमने बस जो बाहर ही उनका जर्नी देखा, लेकिन क्योंकि आप हमारे झारखंड की हैं तो उस जर्नी को मैं थोड़ा और क्लोज से जाना चाहूँगी कि जैसे मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट होता है या फिर जो इंटरनेशनली आपने बोला कि मिलेनियम ग्लोबल यूनिवर्स का, तो उसमें क्या चीज़ें होती हैं, मतलब कुछ अलग यहाँ से जो आपने मिस झारखंड करा और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल में आपने कहा, ऑब्वियसली बहुत सारी उसमें डिफरेंसेस होंगे, तो वो क्या था? सबसे पहले तो एक मॉडल के अंदर 3-4 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी होती हैं, सिर्फ ब्यूटीफुल होना ही नहीं होता है एक मॉडल, ब्यूटी विथ ब्रेन ज़रूरी है, ऊपर से कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हाइट ज़रूरी है, तो इन सब चीज़ें मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर सब कुछ है, बस ज़रूरत है तो इसे खुलकर निकालने की, इसे निखारने की ज़रूरत है, तो एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं ना कहीं कर सकती हूँ, तो मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया, खुद को ड्रेसिंग सेंस, मेकअप सीखा मैंने, अपने बॉडी लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देखा, वे ऑफ टॉकिंग, तो काफ़ी सारी चीज़ें होते हैं जो एक मॉडल के
अंदर होनी चाहिए। और मुझे बहुत ज़्यादा खुद में मेहनत करना पड़ा, और साथ ही साथ तो वैसा कोई टीचर भी नहीं था, तो मैंने सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स के अकॉर्डिंग खुद को प्रिपेयर किया और फिर एक नए राह पे चल पड़ी, रास्ता बना। तो बोल सकते हैं ये इंटरेस्ट था, फिर वो पैशन बना जिसको आपने फिर खुद से ही फॉलो किया, चाहे वो आपको कोई गाइडलाइंस मिली हो ना मिली हो, टीचर्स हो ना, मतलब सोशल साइट्स का एक सही इस्तेमाल किया आपने। तो ये तो आपने टैग्स हासिल किए, तो अभी और भी क्या आपके दिमाग में कि ये टैग्स मुझे लेने हैं, वो बाकी है? फ़िलहाल वैसा कोई कुछ खास नहीं था, क्योंकि मैं जब एक स्टेट लेवल से स्टार्ट करी थी तभी मैंने सोच रखा था कि मैं इस लेवल को इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाऊंगी, क्योंकि आज के टाइम पे मॉडलिंग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं लेकिन उनको सही उपयोग करना पता नहीं है कि कैसे करना है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अब जो करना है सो नेशनल इंटरनेशनल तक करना है, आखिरी है वो, और उसके बाद फिर जब मैं कैपेबल हो जाऊंगी, मुझे लगेगा कि हाँ मैं अब कैपेबल हो गई हूँ, मुझे एक टीम वर्क की ज़रूरत है, अपनी जो भी मैंने आज तक की जर्नी करा है उसको एक शेयर करने को, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। तो मतलब वो चीज़ें जो आपको हासिल करनी थी, ये अपने मतलब झारखंड लेवल से उसको इंटरनेशनल ले जाना था, वो आपने हासिल कर लिया। पर जनरली हम देखते हैं कि जैसे शायद वो मिस इंडिया का हो या मिस यूनिवर्स का हो, फिर वो एक एक्टिंग फील्ड में, बॉलीवुड में, ये सब में ट्राई करती हैं। तो आपका उसके बाद नेक्स्ट क्या रहा था? वैसा कुछ खास नहीं, मैं एक्टिंग को लेके मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ, क्योंकि मॉडलिंग मुझे पसंद था, खुद को अच्छे से नए तरीके से खुद को बनाकर रखना, उस ढंग में डालकर रखना मुझे बहुत पसंद था। एक्टिंग को लेकर मुझे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। एक्टिंग मैं करी हूँ और मैंने एक एल्बम भी करा था, नागपुरी एल्बम, जिसमें 19 मिलियन व्यूवर्स गए थे, और वो मेरा फर्स्ट था जिसमें मैंने डांस करा, थोड़ा एक्ट करा, तो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि नो आप मूवी भी करो, सीरियल भी करो, तो मैं बोली नहीं मुझे वो नहीं करना है, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है और अब जो मेरा टारगेट है मुझे वो करना है। तो मैं मुझे मॉडलिंग के अलावा एक्टिंग में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अदरवाइज़ मैंने साधन इंडियाज़ वगैरह में मैंने एक दो एपिसोड करा है। मतलब कि इंटरेस्ट नहीं है बट आपको अपॉर्चुनिटी मिली, मतलब आप उतने ऑब्वियसली आप उतने स्टेज पे पहुंच चुके हो कि उस अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, वो खुद वो चीज़ आपके पास आती है। तो आपने अभी कहा कि अब आपका जो गोल है, जो आपका मॉडलिंग वाला एक गोल था वो आपने हासिल कर लिया, अब आप अपने दूसरे गोल पर काम कर रहे हो, तो वो दूसरा गोल क्या है? दूसरा गोल यही है कि मुझे सोशल वर्क करना बहुत पसंद है। मैं जब छोटी थी तब से ही मुझे जब गरीब लोगों को देखती थी, जो उन लोगों को नहीं जो मतलब किसी मॉल के बाहर या किसी शॉप के बाहर, उन लोगों को नहीं, बट हाँ जो हेल्पलेस है, जिनका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, जो कुछ नहीं कर सकते, मैं उन लोगों के लिए कुछ करना चाहती थी। तभी से मैंने ठान रखा था कि एक ऐसे लेवल पर जाना है जो मैं कैपेबल हूँ, मुझे फैमिली सपोर्ट या फिर किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं उस लायक बनूँगी कि मैं खुद का एक एनजीओ स्टार्ट करूँगी और साथ ही साथ ऐसे जो गरीब लोग हैं, जिनको ज़रूरतमंद लोग हैं, उन लोगों की मदद करूँगी। तो अभी मेरा एक ही फोकस है, सोशल वर्क पे काम करना जितना हो सके, और चाइल्ड एडुकेशन, वुमेन सेफ्टी, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देना ही मेरा भी अगला फोकस है। मतलब ये बोल सकते हैं अगर सिर्फ खुद के लिए किया तो क्या किया, दूसरों के लिए काम करना, मतलब आपने अपना जो एक गोल था वो अचीव कर लिया, अब बारी है दूसरों के लिए कुछ करने की। और उसमें एक पॉइंट था कि मतलब वैसे लोग नहीं कि जो फिजिकली कैपेबल हैं, जो मॉल या वगैरह के बारे में बाहर में बेगिंग कर रहे हैं, वैसे लोग जो खुद कैपेबल नहीं हो पा रहे, मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, या वैसे लोग की आप मदद करना चाह रहे हो। तो आपने आप एनजीओ खोल रहे हो, तो मतलब वो खुल चुका है या फिर अभी वो फील्ड पे काम कर रहा है, क्या चल रहा है? नहीं, हमारा एक एनजीओ है वैम्स फाउंडेशन के नाम से, तो हम लोग उस फाउंडेशन के अंदर अभी हम लोगों ने लॉकडाउन से ही स्टार्ट करा है, तो उसे थोड़ा डेवलप होने में टाइम लगेगा, बट अब तक हमने 21 या 22 अप्रोक्स हम लोगों ने सोशल वर्क कर रखा है, जिससे बहुत लोगों को हेल्प भी मिला है और बहुत उन लोगों के चेहरे पे मुस्कान देखकर हमें भी बहुत खुशी मिलती है, मतलब लगता है यार जन्नत सा मिल गया। तो फिलहाल मैं अभी सोशल वर्क पे पूरा ध्यान दे रही हूँ और जितना हो सके मुझसे जितना होगा मैं वो करूँगी, उतना टाइम दूँगी और ऐसे लोगों की मदद करूँगी जिनका एक कहते हैं ना कि कोई नहीं है तो कोई ना कोई भगवान भी सहारा देने के लिए भेज देता है, मैं उस लायक बनने की कोशिश करूँगी।
तो आपने ये आइडिएशन जो भी हुआ है वो भी इस लॉकडाउन पीरियड में हुआ है, तो इसके आगे और इसको और कैसे कंटिन्यू करना है इस चीज़ को? नहीं, वैसा कुछ खास नहीं कि लॉकडाउन पीरियड से मैंने ये स्टार्ट करा, बट हाँ मैंने पहले से सोच रखा था कि मुझे एनजीओ करना है, मतलब करना है, बट उसके लिए मैं कैपेबल नहीं थी और ना ही मुझे उतना ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में पता था। तो मैं धीरे 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 इधर से थोड़ा सा इधर से नॉलेज ले रही थी कैसे होता है क्या होता है। और उसके बाद जब ये जो महामारी जो बीमारी चल रही है कोरोना की, ये जो बीमारी पिछले 6 महीने से आज के डेट पे भी लॉकडाउन ही कह सकते हैं, तो ये बहुत कुछ सिखा गया, बहुत कुछ दिखा गया और बहुत कुछ करने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेट कर गया। तो इसे देखकर मुझे लगता है कि नहीं, जो मैंने सोचा था एकदम सही सोचा था। लोग सच में वो चीज़ों की ज़रूरत है, yes. ये चीज़ें करनी चाहिए, सही होगी। तो अगर इस इंटरव्यू को मैं इस बात पे ख़त्म करूं कि जैसे आपने, आप झारखंड की हैं, वहाँ से आपने मॉडलिंग का करियर शुरू किया, फिर आप उसको इंटरनेशनल लेवल तक ले गई, अब आप सोशल सर्विस कर रही हैं, दूसरों की मदद कर रही हैं, तो एज अ मैसेज जो बाकी यूथ है जो शायद इस फील्ड में इंटरेस्टेड हों, चाहे वो सोशल सर्विस का फील्ड हो जो आपने कहा कि आप पहले से उसमें करना चाहती थी, या फिर जो मॉडलिंग का है जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है, और आपने ये भी कहा कि झारखंड में वो काफ़ी अंडररेटेड है, उसमें इतने क्या बोलते हैं ऑप्शंस हमें नहीं मिलते हैं, तो उनके लिए क्या आप एक सजेशन? तो मैं बताना चाहूँगी, सबसे पहले तो अगर जो लोग मॉडलिंग में जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है, हमारा वैम्स इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मॉडलिंग की क्लासेस दी जाती है, पीडी की क्लासेस दी जाती हैं, कैसे क्या करना है, अगर उन्हें मॉडलिंग फील्ड में जाना है, एक्टिंग फील्ड में जाना है, डांस फील्ड में जाना, हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं। दूसरी हमारा वैम्स फाउंडेशन, अगर हमारे साथ सोशल वर्क में जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हम अपनी एक टीम की तरह लेके चलेंगे, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे जी। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे तनु जी, जहाँ हमने हमारी जो मिस इंडिया कह लें या मिस झारखंड, अभी तो मैं मिस झारखंड में कॉन्सेंट्रेट करूँगी क्योंकि ये हमारे झारखंड की है, जहाँ पर हमने इनसे बात की, इन्होंने ना सिर्फ अपना गोल हासिल किया, अपना जो पैशन था उसे फॉलो किया, बल्कि अब वो इस लॉकडाउन कोरोना काल में अपना सोशल सर्विस का, जो बोलते सोशल ऐसा कोई मैंने पहले कभी नहीं सुना कि किसी ने कहा कि मुझे सोशल सर्विस का शौक है, तो वो अपने इस पैशन को, इस गोल को भी पूरा कर रही हैं। तो ये थी हमारी आज की खास बातचीत तनु राजपूत के साथ, और भी ऐसी खास बातचीत लेकर आते रहेंगे हम, तो बने रहिए हमारे साथ जेके न्यूज़ नेटवर्क में।